युवराज ये मुझे दे दीजिए। कितना महान बालक है ये, इस बालक के स्पर्श से भस्म भी विभूति बन गई। देख रहे हैं आप, आपके पुत्र की नवीन लीला। हे गौरी शंकर, 10 ही दिन में मेरा पुत्र 5 वर्ष के बालकों जैसा दिखने लगा है। यदि वह इसी शीघ्रता से बढ़ता रहा तो जल्द ही मैं उसकी बाल लीलाओं के आनंद से वंचित हो जाऊंगी। कृपा करें प्रभु और उसे उसकी आयु के अनुरूप ही बढ़ने दें, ताकि मैं उसकी बाल लीलाओं का आनंद ले सकूं। पुत्र के प्रति मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ पुत्री अंजना। हे भोलेनाथ, अंजना पुकार रही है, हमें उसे उसकी आशा से परे नहीं करना चाहिए। सागर को नदी में और आकाश को तिनके की नोक पर आज तक क्या कोई रख सकता है प्रिय? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु अंजना की चिंता भी तो समझिए प्रभु, मारुति और श्री राम के मिलन में अभी समय है, और यदि इसी गति से मारुति के आकार में वृद्धि होती रही तो श्री राम से मिलने तक उनके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? स्वामी, क्या आप मारुति की मधुर नटखट बाल लीलाओं का आनंद नहीं लेना चाहते? प्रिय, मैं स्वयं मारुति की बाल लीलाओं से नित्य आनंदित होता रहता हूँ। हे नाथ, आपसे विनती है, अब तो अंजना की प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। धन्य हो प्रभु। महादेव भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रार्थना स्वीकार होने के बाद जितनी प्रसन्नता अंजना को मिली थी, उतना ही सुख मेरी बहन पार्वती और अन्य सभी देवी देवताओं को भी मिला था। किंतु शंब साधन वन में वृक्षासुर मारुति के वन के निकट आने की ताक में था। जैसे ही तेरे पांव मेरी छाया पर पड़ेंगे तो समझ लेना तुझे मैंने अपने वश में कर लिया है, और तब तुझे मेरा ग्रास बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। हे
देवी ललिता अम्बा का। ये देवी ललिता अम्बा कौन है? हमारी कुल देवी है। तन मन से अग्रजित होकर कुल देवी ललिता अम्बा के दर्शन करना हमारी कुल देवी का आशीष हमारे कुल के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। वो तो सबकी पूज्य माँ है। आपकी भी? हाँ, मेरी भी सबकी माँ। आपकी और नानी की भी? हाँ हाँ, नानी की भी माँ। अब ऊपर चलकर देवी ललिता अम्बा का ध्यान करना। देवी ललिता अम्बा बहुत शक्तिशाली है ना माँ? मंत्री जी, आपकी सतर्कता अनिवार्य है। पूरी तरह चौकन्ना रहिए। महाराज, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आप आश्वस्त रहिए। वन में खड़ा दुष्ट चालाक व कपटी वृक्षासुर शंब साधन वन और सुमेरु राज्य की सीमा के बीच हुए समझौते का उल्लंघन तो कर ही रहा था, वो भी बड़ी चालाकी से। केसरी भली भांति जानते थे कि चालाक वृक्षासुर कभी भी अपना कपटी रूप दिखा सकता है, अतः उन्होंने सभी को सतर्क रहने की चेतावनी दे रखी थी। हाथ से निकला अखेट पुनः चंगुल में आ रहा है। घात लगाकर पकड़ूंगा, बचकर जाने नहीं दूंगा। मैं और मेरे सारे सैनिक चारों ओर से सतर्क हैं। आप निश्चिंत होकर कुल देवी के दर्शन कीजिए महाराज। पर इस जगह की शांति को देखकर अभी तक तो वृक्षासुर के अतिक्रमण का आभास नहीं हो रहा है। जी महाराज। पुत्र, देवी को प्रणाम करो। Thank you.
साथ जाने नहीं दूंगा। आज अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। बदला भी लूंगा और तीसरी पुत्र के कोमल कोमल पास के भक्षण का आनंद भी लूंगा। मारुति अंततः सुमेरु और शंब साधन वन के सीमा के घेरे के निकट पहुंच जाता है। ये क्या प्रभु, मारुति तो घात लगाकर बैठे वृक्षासुर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, समझ नहीं पा रही हूँ। ये भ्रम है। आज तक जिसने सदा दूसरों के संकट हरे हो, उस संकट मोचन मारुति को कोई दुराचारी कैसे अपने चंगुल में ले सकता है भला। श्री विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा सुनाऊंगा। परशुराम की कथा सुनाऊंगा। अत्यंत ही अद्भुत कथा परशुराम की। ऐसे कैसे संभव हुआ, कैसे निकल गया हाथ से। किंतु कथा सुनाने से पूर्व मुझे बताओ कि भगवान श्री विष्णु का त्रियाक्षरी मंत्र किस किस को स्मरण है। सुषेण तुम कहो। हरि ओम। उत्तम, अति उत्तम। अब बताओ भगवान श्री विष्णु का अष्टाक्षरी मंत्र किस किस को स्मरण है। नल तुम कहो। ओम नमो नारायणा। उत्तम, अति उत्तम। आओ तुम पे। महाराज, मारुति कहीं दिख नहीं रहा।
अरे यही तो थे। अब बताओ भगवान श्री विष्णु का द्वादशाक्षरी मंत्र किसे स्मरण है? नील तुम कहो। ओम नमो भग 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 मारुति 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 ओम नमो भग 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज का कुछ पता चला? नहीं महारानी। मारुति मंत्री जी मारुति कहाँ है? मारुति तो अभी तक यहीं थे। ओम नमो वासुदेवाय नमः। किसने भगवान श्री विष्णु का संपूर्ण द्वादशाक्षरी मंत्र सुनाया? मेरे सम्मुख आओ। हृदयनाथ, द्वादशाक्षरी मंत्र तो मारुति ने देवी सरस्वती के मुख से गर्भ अवस्था के समय ही सुन लिया था और वह मंत्र मारुति को पूरा पूरा स्मरण था। केवल मारुति ही नहीं, गर्भावस्था के समय साधारण से साधारण शिशु भी अपने माता के व्यवहार में लाए गए हर कार्य को सुनता समझता है और अपने स्वभाव में धारण करता है। यह सत्य है। शिशु के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर माता को भी अपना व्यवहार सदा अच्छा रखना चाहिए। माँ यदि चाहे तो गर्भावस्था में ही अपने शिशु का भविष्य रच सकती है। मारुति जैसे बुद्धिमान व पराक्रमी संतान को पाकर अंजना और केसरी ने अवश्य ही सौभाग्यशाली होने का गौरव प्राप्त किया है। निस्संदेह मारुति जैसे पुत्र को पाना किसी भी माता पिता के लिए सौभाग्य की ही तो बात है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। नन्हे युवराज मारुति आपका भी हार्दिक स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि युवराज मारुति ने पाठशाला में आते ही अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। बिना शिक्षा प्रारंभ किए ही इन्हें जो मंत्र ज्ञात है वो हमारी कक्षा के किसी भी विद्यार्थी को स्मरण नहीं था। ये अवश्य ही युवराज के उज्जवल भविष्य के लक्षण है। मेरा शुभाशीष सदैव युवराज के साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। मां ये पाठशाला क्या होती है? पाठशाला विद्या का मंदिर होता है जहाँ शिक्षा और ज्ञान की बातें बताई जाती।
लीजिए आचार्य जी, मुझे वो उद्दंड नील अपनी पूंछ से मार रहा है। नील, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी पूंछ तो देखो। महाराज, राज्य की सीमा पर स्थिति तो अभी शांत है, पर सामान्य नहीं। कुछ ना कुछ तो है जो संदेह उत्पन्न कर रहा है। यहां तो सब ठीक है ना? मुझे तो संदेह है महाराज। आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन नहीं, आदेश दीजिए, हमें प्रसन्नता होगी। सुरक्षावश यदि आप बच्चों की पाठशाला की कक्षा राजभवन की वाटिका में लगाएं और वहीं पाठ पढ़ाने की कृपा करें तो ये राज्य की सुरक्षा के हित में रहेगा। ऐसा ही होगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। शीघ्र ही विद्यार्थियों की पाठशाला की कक्षा राजभवन की वाटिका में लगी। प्रणाम ऋषिवर। मैं वानर पुत्र कर्मादन हूँ, मेरे पास भी पूंछ है और निसंदेह तुम्हारी पूंछ से लंबी है। वह भाई क्या बात है, तुम्हारी पूंछ तो तुम्हारा ही सारा कहा मानती है। वह वानर ही क्या जिसकी पूंछ उसके वश में ना रहे। बालक मन की दुविधा जितनी सरल होती है उसका उत्तर ढूंढना उतना ही अधिक कठिन होता है। मारुति के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। उनका मन अब व्याकुल था। एक बार तो आजा, बस एक बार मेरे चंगुल में। संतान ही हमारा भविष्य है। मंत्री जी, पाठशाला के बालकों के लिए शीघ्र ही भवन के प्रांगण में एक सुरक्षित व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। विपरीत परिस्थिति में हमें सतर्क रहना होगा और सुरक्षित भी। मैं शीघ्र ही अपनी देखरेख में सारी व्यवस्था करवाता हूं, आप निश्चिंत रहिए महाराज। यदि एक बार भी आया तो तेरे कोमल कोमल मांस को चबाकर ही मुझे संतोष मिलेगा। प्राण वल्लभ,
कौन थे वे साधारण वानर बालक जिन्हें केसरी वृक्षासुर की पहुंच से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे? हाँ प्रिय, वो सभी वानर बालक साधारण नहीं थे, वो तो भिन्न भिन्न देवताओं के अंश थे, जो मेरी ही आज्ञा से उन्हीं देवताओं के द्वारा पृथ्वी लोक पर भेजे गए थे। देवताओं के अंश? आपकी आज्ञा से? ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी प्रभु? हाँ प्रिय, आवश्यकता तो आ ही पड़ी थी। बात उस समय की है जब अत्याचारी रावण के आतंक से दुखी और त्रस्त होकर ब्रह्मदेव के साथ सभी देवता यक्ष, गंधर्व और भूदेवी वैकुंठ लोक में मेरे नारायण स्वरूप से मिलने आए थे। तब मैंने ही उन देवताओं को अपने रामावतार के समय अपने अपने अंश को पृथ्वी लोक पर भेजने की आज्ञा दी थी। हे प्रभु, क्या उस आतताई से हमें कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी? आप निराश न हो ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब जब गौ माता, विप्रजन, संत समुदाय और देवताओं पर विपत्ति आएगी, जब जब अविश्वास, अनाचार और अधर्म की वृद्धि होगी और धर्म की हानि होगी, जब भक्त मेरा उपहास करेंगे, मेरी भक्ति को अंधविश्वास समझेंगे, तब मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए यज्ञ की वैदिक मर्यादा और धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लूंगा। अहंकार सदैव पतन का कारण होता है, रावण के भी विनाश का कारण उसका अहंकार बनेगा, क्योंकि शीघ्र ही मैं मनुष्य रूप में अवतार लेकर दुराचारी रावण का वध कर दूंगा। हे पुरुषोत्तम, हमें क्या करना होगा, आदेश दीजिए प्रभु। आप सब भी पृथ्वी पर अपने अपने अंशों से वानर कुल और वृक्ष कुल में अवतार लीजिए। समय आने पर रावण के विरुद्ध धर्म युद्ध में मैं आपकी सहायता लूंगा। मेरा ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध होगा। अच्छा नाथ, उन देवताओं ने किस किस रूप में अपने अंश को पृथ्वी पर भेजा? प्रिय, राम कार्य में सहायता के लिए ब्रह्मदेव के पुत्र प्रिय जामवंती के पिता और मेरे ससुर ऋक्षराज जाममान तो पहले से ही पृथ्वी पर उपस्थित थे, और महादेव शिव ने भी अपने अंश को अंजनी पुत्र मारुति के रूप में इस धरती पर भेजकर हम सबको धन्य कर दिया था। हम सबको ये जानना आवश्यक है, और इनके अलावा पृथ्वी लोक पर देवताओं के दिव्य और सुंदर अंश के रूप में अग्नि देव से नील, विश्वकर्मा से नल, धन कुबेर से गंधमादन, चंद्रदेव से दधिमुख, वरुण से सुषेण, और सुषेण को धनवंतरी जी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, और ऋक्षराज को वरदान में मिले दो पुत्रों में से सुग्रीव सूर्यदेव का अंश था और वाली इंद्रदेव का। मेरे महादेव भोलेनाथ के अंश मारुति इन सभी देवांश वानरों में से सबसे अधिक ज्ञानी, महाबली, श्रेष्ठ और मेरे प्रिय भक्त, और यही सबसे श्रेष्ठ, सबसे मनमोहक और मेरा सबसे प्रिय राम भक्त मारुति धरती के मायावी चक्र में उलझे सारे प्राणियों को हर क्षण अपनी बाल लीलाओं से मोहित और आनंदित कर रहे थे। और वृक्षासुर मारुति को जकड़ने हेतु
व्याग्र हो रहा था। परंतु मारुति तो अभी अपनी पूंछ को लेकर चिंतित थे। उनकी पूंछ तो देखो, उनकी पूंछ तो बड़े काम की है। हो सकता है जब मैं पिताजी की तरह बड़ा और बलवान बनूंगा तब मेरी पूंछ भी बड़ी हो जाएगी। पर आश्रम में तो वानर अभी बालक थे और उनकी पूंछ भी थी। हे हृदयनाथ, पाठशाला जाने से पूर्व भी तो मारुति ने अपने आसपास किसी की पूंछ देखी होगी, प्रतिक्रिया उनकी तब क्यों नहीं हुई? स्मरण कीजिए देवी, आप भूल रही हैं कि मारुति अभी कुछ ही दिनों के थे, किंतु दिखते थे 5 वर्ष के और इससे पहले वो किसी बालक से मिले भी नहीं थे। इसीलिए जब पाठशाला में पहली बार उनकी दृष्टि अन्य बालकों की पूंछ पर पड़ी तो उनका ध्यान अपनी पूंछ पर चला गया। किंतु अन्य बालकों की पूंछ दिखाई देने से यदि उनकी समस्या का समाधान हो जाता तो बात ही क्या थी। उनका चंचल बाल मन स्वयं ही प्रश्न करता और स्वयं ही उत्तर देता,
इसी प्रकार प्रश्न और उत्तर के चक्र में उलझकर वो पुनः प्रश्न करने लगे। समझ गया, अवश्य पाठशाला जाने पर ही पूछ मिलेगी। मैं भी पाठशाला जाऊंगा, मुझे भी पूछ मिलेगी, किंतु मैं तो पाठशाला जाता ही नहीं, इसीलिए मेरी पूछ नहीं दिखती। अरे ये किसकी पूंछ है? पर ये छाया तो मेरी है। ये पूंछ मेरी परछाई के साथ चिपक कर क्यों चल रही है? क्या कोई मेरे साथ चालाकी कर रहा है? हाँ? यहाँ तो दिखाई दे रही है, पर घूमकर देख रहा हूँ तो नहीं दिख रही है। कैसे हो सकता है ये? ये कोई चमत्कार तो नहीं है? वहाँ दिखाई देती है और यहाँ नहीं दिखाई देती। सीधा रहता हूँ तो दिखती है, घूमकर देखता हूँ तो नहीं दिखती। समझ गया, पूंछ अभी छोटी है ना, इसलिए मेरी बात नहीं समझ पा रही। अरे पूंछ तो छुप गई, कभी आती है कभी छुप जाती है, अवश्य कोई मेरे साथ नाटक कर रहा है। कौन मेरे साथ नाटक कर रहा है? किसने मेरी पूंछ को छुपाया? बालक जानकर ही कोई नाटक कर रहा है मुझसे। पीछे दोनों ही दिख रहे हैं, अभी पूंछ का सच सामने आ जाएगा, फिर मुझे कौन छल पाएगा? वो अभी मैं देखता हूँ। ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे सुमति निवार सुमति के हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर सती लोक उजागर जय पवन। अरे मेरी पूछ तो मुझसे जुड़ी हुई है, अब तक जो मैं देख नहीं पा रहा था मेरी पूंछ मुझसे जुड़ी हुई थी। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।